सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान महादेव के ससुराल कलखन के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। वैसे तो हर शिवलिंग की पूजा फलदायी होती है, लेकिन दक्षेश्वर मंदिर का अपना एक अलग ही महत्व है। सावन के दूसरा सोमवार पर शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ रही। हर तरफ शिव भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगाते दिखे। भगवान भोलेनाथ की ससुराल कहे जाने वाले कलखन के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में तो सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। जगह जगह से भक्त बड़ी संख्या में भगवान शिव का जलाभिषेक करने आए। मान्यता है कि सावन के महीने के सोमवार को दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने से मनोवांछित फल मिलता है। मंदिर के मुख्य पुजारी स्वामी विश्वेश्वर पुरी ने बताया कि भगवान शिव को जल अति प्रिय है। ऐसे में भक्तों को आज के दिन यानी सोमवार के दिन भगवान को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से शिव की अपार कृपा मिलती है। तो श्रावण का महीना है, भगवान श्री शिव का महीना है। भगवान शिव को गंगा जल प्रिय है और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए सोमवार के दिन सोम अर्थात चंद्रमा मस्तक पर धारण किए हुए हैं भोलेनाथ, इसलिए उनको सोमवार के दिन गंगा भी धारण किए हुए हैं मस्तक पे, इसलिए गंगा जल। ये दो चीजों का विशेष महत्व है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।